गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ पे और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। और सबसे पहले कर बता दें कि कल की जो क्लास में हम लोगों ने दो पॉइंट डिस्कस करे थे कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बढ़ती है, तो उसमें हम लोगों ने ऑक्सी एसिड्स के बारे में बात किया था। तो पहला पॉइंट ये था कि MOH अगर बॉन्ड है, मतलब M और उसके साथ OH है, ठीक, तो जितना ज़्यादा ये इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एक ये हम लोगों ने किया था, और एक और हम लोगों ने बात करी थी दूसरे पॉइंट में कि MOH टाइप का अगर एसिड है, ऑक्सी एसिड है, तो M के ऊपर जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड होती है। आज हम लोग दो पॉइंट और डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, और ये सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं। दूसरा क्या है, एज स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इंक्रीजेस, कॉन्जुगेट बेस कल मैंने बताया था आपको कॉन्जुगेट बेस क्या होता है लॉरी ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी के हिसाब से, एज स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इंक्रीजेस डिसोसिएशन ऑफ एसिड विल इंक्रीज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड एसिडिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। तो क्या मतलब है, यहां देखिए, यहां पे एक एसिड का स्ट्रक्चर है MOH, तो बोला गया था अगर ये बॉन्ड टूट गया तो ये क्या है, बेस है, और अगर ये बॉन्ड टूट गया तो ये एसिड है, तो ये इक्विलिब्रियम में है इस स्ट्रक्चर, तो यानी कि अब हमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है, तो हमने इसको तोड़ दिया बॉन्ड को, तो ये H प्लस दिया और ये डेल्टा माइनस। तो अब आप ये सोचिए, जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा तभी तो ये H प्लस को छोड़ेगा यहां पर, अगर ये स्टेबल ही नहीं होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं। तो क्या बोला जा रहा है, जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ज्यादा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। अब कैसे हमें पता चलेगा कि ये स्टेबल है कि नहीं है, तो यहां ध्यान रखिए आप, अब यहां पर कोई ग्रुप लगा है इसके साथ, मान लीजिए यहां पर कोई कार्बन है और उसके साथ कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इसके ऊपर चार्ज लाएगा, जबकि आपको बताया गया है कि जितना कम चार्ज हो उतना अच्छा होता है। एक तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज नहीं हो सकता, वो उसको बहुत भयानक डिस्टेबलाइज करता है, दूसरा ऑक्सीजन पे अगर माइनस चार्ज है भी तो वो कम होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ओ के ऊपर बढ़ा देगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहा है तो वो इसको क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। और एक तरीके से आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर यही इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये H से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो ये पोलर नहीं होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा वाटर के अंदर। क्लियर है आपको, बात समझ में आई कि तो आपको क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो O के ऊपर माइनस चार्ज बढ़ा रहे हैं, और अगर वो माइनस चार्ज बढ़ा रहे और चार्ज अच्छा नहीं होता है, ठीक है, चार्ज अच्छा नहीं होता है, ठीक है, तो चार्ज इज नॉट गुड फॉर एसिड। तो यहां पर ओ पे कम चार्ज होना है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस पे चार्ज बढ़ा रहे, इसका मतलब वो डिस्टेबलाइज कर रहे कॉन्जुगेट बेस को, जिसके कारण एसिड स्ट्रेंथ कम है, समझ गए। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो होगा इसमें, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहां पे जोड़ दिया गया तो वो क्या करेंगे, वो इससे माइनस को ले लेंगे, और माइनस को अगर ले लेंगे तो चार्ज कम हो जाएगा, तो जिसके कारण क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस आपका स्टेबलाइज हो जाएगा, और अगर आपका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है तो आपका एसिड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो डिड यू अंडरस्टैंड ये सारा कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये सारी बात हम लोगों ने प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट, ये सब पढ़ चुके हैं। तो यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फोर्थ पॉइंट भी डिस्कस कर लेते एक साथ, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रॉब्लम, एंड वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद द सिंपल प्रॉब्लम्स, एंड देन लेटर ऑन वी विल मूव इनटू द डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉब्लम देखिए आप, यहाँ पे आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा के इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू, ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंट होता है के डब्ल्यू,
तो यहां देखिए, अगर के बढ़ेगा तो के भी कम होगा, अगर के भी बढ़ेगा तो के कम होगा, ठीक है। के रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड और दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बेस। तो देखिए क्या है, इफ कॉन्जुगेट बेस इज स्ट्रॉन्गर, यानी कॉन्जुगेट बेस अगर स्ट्रॉन्गर हुआ तो केबी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो केबी की के की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, बिकॉज के डब्ल्यू इज कॉन्स्टेंट। समझ रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए 50 ऐसे लिखा गया आपका 5 × 10, तो अगर मैं 10 को डिक्रीज करके 5 कर दूं तो इसको क्या होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि 50 तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा। तो उसी तरीके से अगर आप इस फैक्टर को बढ़ाते हैं तो ये फैक्टर आपका कम हो जाएगा। जितना ज्यादा के होता है उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, जितना ज्यादा के बी होता है उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होती है। तो अगर के बी बढ़ रहा है तो कॉन्जुगेट बेस का, अगर के बी बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली के घट जाएगा। तो वही यहां पे लिखा है, इफ कॉन्जुगेट बेस इज स्ट्रॉन्गर एसिड विल बी वीकर, अगर के बी बढ़ गया तो के विल बी डाउन। ठीक, समझ गए। अब यहां पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में लिखते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, फिर अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो बाद में सबसे बड़ा लिखेंगे हम लोग और सबसे छोटा पहले। तो अब आप देखिए कि कैसे करेंगे आखिर, दिस इज अल्केन, दिस इज अल्कीन एंड दिस इज अल्काइन। तो क्या फैक्टर आप सोच सकते हैं यहां पर, या तो ओ भी नहीं है, ठीक है, यहां पे एच निकलेगा, ठीक है, तो एच प्लस निकलेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, सी एच माइनस, तो सी एच टू माइनस और ये H प्लस, ठीक, और यहां पर आपका सी एच माइनस प्लस एच प्लस और ये क्या हो गया आपका H प्लस निकला। ठीक, अब यहां पर आप देखिए, अब हमें ये सोचना है कि इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, सिंगल बॉन्ड के कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज रहना या डबल बॉन्ड के ऊपर कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज रहना या ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज रहना। अब आपको ये बात वेरी क्लियर होनी चाहिए कि जो हाइब्रिडाइजेशन, यानी हमने अभी आपको बताया है कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, पहले ये सब बातें डिस्कस हो चुकी हैं जीओसी में, कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है अगर उसके ऊपर माइनस है तो वो स्टेबलाइज्ड हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है अगर उसके ऊपर माइनस चार्ज है तो वो स्टेबिलिटी नहीं दिखाता है। तो यहां पर कार्बन 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 तीनों ही कार्बन है, लेकिन तीनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अलग है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और sp के अंदर 50% s करेक्टर है, इसके अंदर कितना है 33.3 और इसके अंदर कितना है 25%। और जितना ज्यादा एस करेक्टर होता है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, यानी ये वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर उसके बाद ये वाला कार्बन, फिर उसके बाद ये वाला, तो जो ज्यादा है उसी की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यानी वी कैन राइट सी इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन ए। अब यहां देखिए आप, यहां पर क्या होगा, H2O, यानी इसको ऐसे बना लीजिए आप HOH, CH3OH, CH2CH3OH, ठीक। अब आप देखिए CH3 और C2H5 में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं यहां पर, इसके ऊपर प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो खुद के ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज, तो प्लस आई इफेक्ट, ठीक। तो यहां पर देखिए कि ये ज्यादा डोनेट करेगा और बोला क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल डिस्टेबलाइज कॉन्जुगेट बेस एंड डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये जो है ये सबसे कमजोर एसिड है, इसको इधर रखिए, ठीक है, उसके बाद CH3 होगा, उसके बाद H होगा, H तो ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है,
इसलिए ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी होगा। अब हम लोग कई सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम लोग इन तीन प्रॉब्लम्स को देखने जा रहे हैं और इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे। तो अगर हम लोग इनको कंपैरिजन करें तो ये एलिफैटिक अल्कोहल है, ये फिनॉल है और ये आपका एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और ये वाटर है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वो होगा सी, सी से ग्रेटर होगा बी, फिर बी के बाद आएगा वाटर, डी एंड डी ग्रेटर होगा ए से। ठीक है, तो D क्यों ग्रेटर होगा A से, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। बिकॉज R यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट करेगा, यानी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। जबकि वाटर में H लगा हुआ है, ना तो वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और ना ही वो इलेक्ट्रॉन को इसमें भेजेगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि D जो है वो A से ग्रेटर होगा। और यहाँ पे सेकेंड बात अगर हम लोग डिस्कस करें, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों में ही रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन जो हमारा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, क्योंकि इसका जो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच है और एच प्लस निकलने के बाद जो आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस है, इसमें ज़्यादा अच्छा रेजोनेंस होता है, क्योंकि माइनस यहाँ भी जा सकता है और ये इक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है, तो इसमें ज़्यादा रेजोनेंस होता है। जबकि जब हम फिनॉल की बात करते हैं और फिनॉक्साइड आयन की बात करते हैं तो फिनॉक्साइड आयन में तो रेजोनेंस अच्छा होता है, लेकिन फिनॉल में इतना अच्छा रेजोनेंस नहीं होता है। और एनर्जी का गैप हम लोग देखते हैं तो एनर्जी का जो गैप होता है पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज मोर इन केस ऑफ बिकॉज ऑफ गुड रेजोनेंस। अच्छा रेजोनेंस होने की वजह से, इक्वली कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होने की वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें ज़्यादा रेजोनेंस होता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। और वाटर का ऐसा यहाँ पे कोई रीज़न नहीं है, वाटर को आपको क्या करना है, याद ही रखना है कि जो फिनॉल है दैट इज मोर एसिडिक देन वाटर। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें रेजोनेंस है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये बात हम लोग ध्यान में रख सकते। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं और यहाँ देखते हैं कि कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिए कि ये सारे ही क्या हैं, ये सारे ही आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक, और ये अमोनिया है और ये H2O है। तो यहाँ पर जो आपका वाटर है वो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है कंपेयर टू ऑल एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, उनसे ज़्यादा एसिडिक होता है। उसके बाद किसका नंबर आता है, उसके बाद नंबर आता है तुम्हारे ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, अल्केन अल्काइन ग्रुप का, तो ये A का नंबर आता है। उसके बाद फिर अमोनिया आता है, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड वाला आता है E, फिर आपका अल्केन वाला आता है P। ठीक, तो ये ऑर्डर है यहाँ पर। अब इसको हम लोग समझ सकते हैं कि ऐसा ही ऑर्डर क्यों है। देखिए, जब वाटर रहता है और ये रहता है, मतलब कोई भी एलिफैटिक क्यों वाटर से ज़्यादा, वाटर क्यों उससे ज़्यादा एसिडिक है, आपने पढ़ रखा है कि जब सोडियम का रिएक्शन हम लोग कराते हैं हाइड्रोकार्बन्स के केस में, तो क्या होता है कि सोडियम को ड्राई ईथर में रखा जाता है। ठीक है, वुड्स रिएक्शन भी देखा आपने, क्योंकि जो सोडियम है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो इसका मतलब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोकार्बन्स को छोड़ के, इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर ज़्यादा एसिडिक है, तभी तो सोडियम इज रिएक्टिंग विद वाटर। जो ज़्यादा एसिड होगा उसी के साथ रिएक्टिविटी, जिसकी ज़्यादा होगी उसी के साथ रिएक्ट करेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वाटर इज मोर, दैट्स व्हाई इट इज रिएक्टिंग विद H2O। ठीक है, इसलिए यहाँ पर वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक, फिर उसके बाद बात आती है कि ये टर्मिनल अल्काइन क्यों अमोनिया से ज़्यादा है। ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, पर वाला मैं रब कर देता हूँ। तो यहाँ हम लोग एक रिएक्शन देख सकते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड H का जब रिएक्शन हम लोग NaNH2 के साथ करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ये टर्मिनल
अल्काइन का जो एच है ये सोडियम इसको रिप्लेस कर देता है और ये बनता है ऐसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड Na+ अमोनिया। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या किया कि अमोनिया को यहाँ से इसके सॉल्ट से रिप्लेस कर दिया, तो जो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है वो अपने वीकर एसिड को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, स्ट्रॉन्गर एसिड विल ऑलवेज रिप्लेस वीकर एसिड फ्रॉम इट्स सॉल्ट। तो इसने क्या किया, देखो इसको हटा दिया, तो इसका मतलब कि ये वीक हो गया, तो इस कारण से ये ज्यादा है। ठीक है, अमोनिया इज मोर देन या टर्मिनल अल्काइन इज मोर देन अमोनिया। लेकिन यही रिएक्शन अगर आप इनके साथ करेंगे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से तो नहीं होती है, इसलिए ऐसा रीजन। फिर एक बार आप समझिए कि वाटर सबसे ज्यादा है, उसके लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सोडियम को अगर हम लोगों का इनके साथ रिएक्शन करना होगा तो सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएगा और इसलिए वो ज्यादा है। फिर उसके बाद हम लोग इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं NaNH2 के साथ कि ये अमोनिया को बाहर कर देता है, इसलिए ए इज मोर एसिडिक देन अमोनिया। और ये दोनों क्यों नहीं, ये दोनों इसलिए नहीं कि ये इनका रिएक्शन नहीं होता है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड वालों का रिएक्शन NaNH2 यानी ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाते, इसका मतलब इनका एसिडिक स्ट्रेंथ इज लेस देन अमोनिया। और ई क्यों ज्यादा है बी से, इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दिया गया हाइब्रिडाइजेशन से, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें तो यहां पर इन तीन ग्रुप को अगर हम लोग देखें तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है यानी प्लस आई इफेक्ट। तो H तो बिल्कुल ही यहाँ पे इफेक्ट नहीं शो करेगा, प्लस आई का सबसे लीस्ट है इसलिए उसको सबसे पहले सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद फिर CH3। जितने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करता जाएगा, इसलिए ये यहाँ पर इफेक्ट होगा यानी A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C। लेट्स सी सम मोर प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 6, 7, 8, 9 यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो यहाँ अगर देखेंगे तो हमें देखना पड़ेगा प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो अगर हम लोग इसमें देखें COOH में तो ये COOH क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी सी की। ठीक, तो ये तो हो गया। अब यहां पर देखिए ये फिर इसके बाद इसका नंबर आएगा रेजोनेंस है यहां पर तो स्टेबलाइज हो जाएगा माइनस चार्ज, तो इसके बाद नंबर आता है 1। ठीक है, और फिर नंबर किसका आएगा, फिर हम लोग बी और डी में कंपेयर करते हैं, बी और डी के अंदर कंपैरिजन करते हैं। तो जो बी है इसको ध्यान रखिए कि जो बी है सी डबल बॉन्ड OH, इसमें जो रेजोनेंस होता है उसमें बेंजीन रिंग जो है पार्टिसिपेट नहीं करता है, बिकॉज जो COOH है इसी के अंदर ही रेजोनेंस हो जाता है, तो इसलिए आप ये नहीं सोच सकते कि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ जाएगा। ठीक है, और इसके कारण बी को ज्यादा होना चाहिए ए से, तो बी क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है बेंजीन रिंग, इसलिए बी जो है इसके बाद आता है और सबसे आखिरी होता है डी। डी क्यों आखिरी होता है, क्योंकि इसमें देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये यहां पर जो कार्बन है ये sp3 है और ये वाला कार्बन क्या है sp2, और अभी बताया गया कि जो sp2 वाला कार्बन होता है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू sp3। तो वहां से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बी जो है वो डी से ज्यादा होगा। तो समझ में आया, सी में क्या हुआ, ये COOH ग्रुप जो है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है यानी माइनस आई इफेक्ट है, जिसके कारण सी सबसे ज्यादा हो गया। उसके बाद ए में तो केवल रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो ए हो गया यहां पर। फिर बी में क्या हो रहा है, बी और जब बी को कंपेयर करते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइज है एंड दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज, तो sp2 वाला कार्बन विल बी मोर एसिडिक कंपेयर टू बी। ठीक है, क्लियर है, तो इसको रब कर देते हैं। अब सेवेंथ को डिस्कस करते हैं।
अब सेवेंथ में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो इसमें सीएल लगे हुए हैं, तो सीएल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। अब यहाँ पे तीन तीन लगे हुए हैं तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होने वाला है। यहाँ पे दो लगे हुए हैं, यहाँ पे केवल एक लगा हुआ है, इसमें एक भी नहीं लगा। खुद बताओ कि क्या आंसर होना चाहिए। जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो माइनस चार्ज को क्या करेगा, उससे दूर कर देगा, जिसके कारण डी का सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होने वाला है। ठीक है, उसके बाद सी का होगा, फिर बी का होगा, और फिर उसके बाद ए का होगा। ठीक है, समझ में आता है क्यों ऐसा, बिकॉज इसमें माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा है, तीन तीन ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट है इसके अंदर, इसमें दो ही ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट है, इसमें एक ग्रुप का है और इसमें तो प्लस आई है, तो ये तो सबसे कम होगा। क्लियर है बात। चलो लेट्स डिस्कस नाउ एट्थ वन, तो ये इजी है। एट्थ में देखो, तो एट्थ में क्या हो रहा है, यहां पर अभी बोला गया जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो अब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ऑब्वियसली फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा करेगा, इसलिए बी हो जाएगा नंबर वन। फिर उसके बाद किसका नंबर आता है, क्लोरीन का, इसलिए फिर क्लोरीन हो जाएगा। फिर किसका नंबर आता है, ब्रोमीन का, तो सी हो जाएगा। और फिर उसके बाद नंबर आएगा आइडो का, इसलिए वो डी हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सबसे ज्यादा हो गया, फ्लोरीन, और सबसे लीस्ट हो गया ये। ठीक, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है, उसकी सबसे कम, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऑर्डर पे हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया। अब यहां देखते हैं, तो कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड में फ्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, आयोडीन लगा हुआ है, और इनको अब कंपेयर करना है। ठीक है, तो इसको ए बोल देते हैं, इसको बी, इसको सी, अब बताओ क्या होगा। अब यहां देखिए क्या हो रहा है कि यहां इनके पास लोन पेयर है, तो और सभी के पास लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो 5p है और यहाँ क्या है 2p है, तो इनका बहुत अच्छा जो है बॉन्डिंग नहीं हो पाता, जिसके कारण इसमें प्लस आर इफेक्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये सभी के सभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो सबसे ज्यादा एसिडिक, क्योंकि सभी का यहाँ पर देखो क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन को वो कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बेकार प्लस आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें है, फिर इसमें, और सबसे लास्ट में ये, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, डी, डी के बाद फिर हो जाएगा सी, फिर सी के बाद हो जाएगा ए, और फिर ए के बाद हो जाएगा बी। ठीक है, तो डी का कारण समझिए, अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा था कि प्लस आर इफेक्ट, ये सारे ही वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, जिसमें सबसे कम वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इज आई। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या नहीं हो पाता है, इसमें अच्छे से इसका जो है बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, जिसके कारण ये क्या होता है, वीकली डीएक्टिवेटिंग। देखो फ्लोरीन यहाँ पर अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, लेकिन इसमें प्लस आर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस आर हो पा रहा है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर तो अच्छे से बॉन्ड कर ले रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर ले रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अच्छी बॉन्डिंग की वजह से प्लस आर भी है, यहाँ प्लस आर बिल्कुल नहीं है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो सभी की हाई है बोला गया था, लेकिन आयोडाइन में प्लस आर नहीं है। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि डी विल बी ग्रेटर देन सी विल बी ग्रेटर देन ए विल बी ग्रेटर देन बी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम लोग ये 10th क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ देखते हैं कि क्या ऑर्डर होगा। तो अगर यहाँ पर हमें ऑर्डर देखना है, तो सबसे पहले
यहाँ आपको समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या इफेक्ट क्या होता है, अभी भी हम लोगों ने देखा था। तो जितना ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए एन ओ टू यहाँ पर लगा हुआ है, तो बेंजीन रिंग में आपके ओ एच है, तो ये क्या हुआ, ओ माइनस हो जाएगा और एच प्लस। अब मान लो एन ओ टू ऐसे लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ये, तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, कम। तो पहले ही बताया गया जितना कम माइनस रहेगा उतना अच्छा है एसिडिटी के लिए। तो अब हमें देखना है कि पैरा पे लगा हुआ एनओ टू ज्यादा अच्छे से एक्ट करेगा विड्रॉइंग इफेक्ट, या मेटा पे, और या फिर कहाँ पर, ऑर्थो पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ए तो सबसे लास्ट हो गया, ए क्या हो गया, सबसे लास्ट हो गया ए, क्योंकि उसमें तो कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा ही नहीं है। अब हमें यहाँ डिसाइड करना है कि ये सबसे ज्यादा होगा या ये सबसे ज्यादा होगा या ये सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ अगर हम लोग देखें, ठीक है, कि माइनस आर इफेक्ट है इसमें, ठीक है, इन तीनों में ही माइनस आर इफेक्ट है, लेकिन जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं NO2 के, तो आप क्या देखते हैं कि ऑर्थो पे डेल्टा प्लस आता है और पैरा पे डेल्टा प्लस आता है। तो यहां जब मेटा है पोजीशन, तो इसके लिए ऑर्थो ये होगा और पैरा ये होगा, और यहां जब देखते हैं ये होगा, ये होगा और ये होगा, ठीक। तो अब देखो, अब इसका मतलब क्या हुआ यहां पर, कि अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं तो यहां पर देखो यहां आ रहा है डेल्टा प्लस, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसने और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, यानी कि ऑक्सीजन यहां पर कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब डी या बी में नंबर वन कोई होना चाहिए। तो बी में भी यही काम हो रहा है कि यहां डेल्टा प्लस आ रहा है। बी में एक और अच्छा पॉजिटिव चीज है जो हमें बोल सकता है कि बी ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, कि ये बिल्कुल पास में ही माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हुआ है, जितने पास में होता है उतना ज्यादा इसके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम एक और चीज की है बी में, कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे वो, तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो एच को निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब कि डी नंबर वन हो जाएगा। अब डी के बाद अब बी का नंबर आएगा और बी के बाद फिर सी का नंबर आएगा। अब हम लोग देखते हैं 11th प्रॉब्लम। तो यहां पर हम लोगों को फिनॉल, फिर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड, और ये फिनॉल के कुछ जो है डेरिवेटिव्स हैं जिनमें NO2 लगा हुआ है, और इसका नाम है पिक्रिक एसिड, ठीक है। अब यहां पर हमें ये देखना है कि एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक, यानी कि जो ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है, या H2CO3 ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या एक टेस्ट देखते हैं, बाइकार्बोनेट टेस्ट, RCOH प्लस NaHCO3। तो देखते हैं कि ये रिएक्शन ये देता है RCONO प्लस H2O प्लस CO2, और जो H2O CO2 है ये क्या है, ये H2CO3 है। आपको पता होना चाहिए कि H2CO3 जो है बहुत अनस्टेबल होता है, तो वो टूट जाता है H2O प्लस CO2 में। तो इससे क्या समझ में आता है हमें, इससे हमको ये समझ में आता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हुआ, ये RCOOH, क्योंकि इसने देखो H2CO3 को रिप्लेस कर दिया, तो स्ट्रॉन्ग एसिड ही वीक एसिड को रिप्लेस कर सकता है। तो यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि बी जो होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू सी, ठीक है। तो ये पक्की बात है कि बी ज्यादा एसिडिक होगा कंपैरिजन टू सी, और ये तो हमें पहले से पता है कि ये ज्यादा होता है ए के कंपैरेटिवली, ठीक है। फिनॉल वीकर एसिड होता है कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक, ठीक, तो इतनी बात पता है। और यहां देखिए, यहां पे जो NO2 के ग्रुप्स हैं वो कैसा काम करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करते हैं। उसका नाम भी देखो पिक्रिक एसिड,
तो इसका मतलब कि बहुत ही स्ट्रांग एसिड होगा, तभी इसके नाम में एसिड लिया गया है। तो इनकी के वैल्यू से हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली ये सारी बातें पता करी हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 NO2 ग्रुप हैं, तो बहुत ज्यादा विड्रॉइंग इफेक्ट होगा इसके अंदर, जिसके कारण एफ को नंबर 1 होना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो 2 NO2 लगे हुए हैं, तो इसलिए इसके बाद नंबर किसका आएगा, ई का नंबर आएगा, ठीक। लेकिन जब एक लगा होता है तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हो पाता है, उससे ज्यादा जो एसिडिक होता है दैट इज बी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर बी के बाद नंबर आता है सी का, और सी के बाद नंबर आता है डी का, और डी के बाद नंबर आता है ए का। तो ये ऑर्डर इससे भी जो है बताया जा सकता है कि ये नहीं देता है, ठीक है, बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो वहां से हमें पता चला है कि सी को डी से ज्यादा होना चाहिए, और फिनॉल तो जानते हैं कि बाइकार्बोनेट टेस्ट वो नहीं शो करता है, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम और हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें एक नया इफेक्ट सीखने को मिलता है, दैट इज ऑर्थो इफेक्ट, और ये इफेक्ट केवल बेंजोइक एसिड के केस में ही काम करता है, ठीक है। तो इसको समझिए कि क्या होता है। तो ऑर्थो इफेक्ट आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं इसकी। तो ऑर्थो इफेक्ट ये बोलता है कि बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजिशन पे चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, दोनों ही केसेज में इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। समझ में आया आपको कि चाहे यहाँ पर कैसा भी ग्रुप हो, अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, लेकिन अगर ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी है तो भी वो बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। यहाँ पढ़ सकते हैं बात लिखी हुई, ठीक है। तो फिर देखो एक पॉइंट यहाँ लिखा है, जनरली ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक। तो अब बताओ बी सी डी में कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, बी होगा। बी क्यों, क्योंकि उस पर ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो बी हो गया। अब ए सी डी में ऑब्वियसली ये लोग ज्यादा होना चाहिए, सी और डी को क्या होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है और इसमें नहीं है। तो सबसे लास्ट तो ए हो जाएगा, और सबसे हाइएस्ट बी हो जाएगा, और सबसे लास्ट ए हो जाएगा। अब कौन होगा नंबर 2। अब यहां से आप देखिए कि अभी भी हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि NO2 जो है डेल्टा प्लस कहां कहां लाता है, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो इसका ऑर्थो तो ये हुआ और पैरा ये हुआ, और यहां प्लस आने की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर और बढ़ जाता है, क्योंकि प्लस है यहां माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा ना माइनस चार्ज को, जिसके कारण बी फिर ज्यादा हो गया डी से और डी से कम हुआ सी। तो ये ऑर्डर आपका तैयार हो गया यहां पर, बी सबसे ज्यादा बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट, फिर डी क्यों, डी ये वाले कॉन्सेप्ट से कि ऑर्थो और पैरा पे वो डेल्टा प्लस चार्ज को करता है, तो वहां पर उसका डीएक्टिवेटिंग नेचर और स्ट्रांग हो जाता है। जब हम लोग सी की बात करते हैं तो मेटा पे इतना इफेक्ट नहीं रहता है, और उसके बाद ये नॉर्मल COOH है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ हुआ नहीं है, यहाँ पे CH3 लगा दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर CH3 लगा दिया गया है और यहाँ पर CH3 लगा दिया गया है। ये बन गया हमारा 13th क्वेश्चन। अब इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या होगा। अब इसमें बताओ सबसे ज्यादा कौन सा होगा, तो फिर से ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, हालांकि CH3 जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, लेकिन क्या हो रहा है, क्योंकि ये ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है इसलिए बी ही नंबर 1 होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बावजूद भी बी नंबर 1 होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो अब कौन सा ज्यादा होगा, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं, बेंजीन के अंदर डेल्टा माइनस आ रहा है, तो माइनस को पसंद नहीं करेगा सी डबल बॉन्ड ओ माइनस ना, जो भी पुश करेंगे इलेक्ट्रॉन को तो वो नहीं होंगे, उससे अच्छा कौन होगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ए में कोई इलेक्ट्रॉन को पुश नहीं कर रहा है बेंजीन रिंग में, समझ में आ रहा है। तो बी के बाद नंबर होगा ए का।
अब क्वेश्चन आता है कि सी ज्यादा एसिडिक होगा कि डी। अब यहां देखो CH3 क्या करेगा, यहां डेल्टा माइनस और डेल्टा माइनस, ये कहां पे डेल्टा माइनस करेगा? अब माइनस माइनस क्या अट्रैक्ट करेगा? माइनस माइनस तो रिपल करने जा रहा है, इसलिए डी जो है सबसे लास्ट हो जाएगा और डी के बाद फिर किसका नंबर आएगा? सी का। ठीक है, तो इसी के साथ आपने देखा आज काफी क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ पे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ को सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।